हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकबाल आलम। आज मैं आपको एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का लोगो या 3D में हम लोग एक शेप को यानी सर्कल से कैसे बनाते हैं वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा शॉर्ट वीडियो होगा, चलेगा, और जो आज ज्यादा मैं लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं सर्कल लिया हूँ। आप शॉर्ट की F7 यूज कर सकते हैं। P4 पेज का सेंटर ले लें। आप इसका जस्ट एक फ्री हैंड टूल से एक यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर लें। ये इसका सेंटर कर लें, C4 सेंटर, E4 वर्टिकल सेंटर कर लें। यहाँ पर आप डबल क्लिक करना, इसका मेन नोड जो है वो भी आपको एक 300 डिग्री पे यानी रोटेट कर रहा है, और ये कंट्रोल आर से रिपीट कर देना। ये मैंने 6 डिवाइड कर दिया। अभी मैं यहाँ पे सेम इसको प्लस का बटन दबाना है आपको, मैं आपको दिखा दूं। मैंने प्लस का बटन दबाया, यहाँ पे डबल हो गया। इसका 3 से डिवाइड करके आपको छोटा कर लेना। मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 3 ये मैंने कर लिया। सेम इसी चीज को आप एक डबल कर लो और ये टॉप पे अलाइन करके एक इसका देख लो कितना है। ये इस टाइप का होता है, बट एनीवे इसका मुझे जस्ट डबल चाहिए। इसका डबल चाहिए तो इसका आप प्लस पे आप बटन दबाओ, और इसका ये आप MM को हटा कर मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2 इसका बड़ा हो गया। बट लेकिन ये यहाँ पे देखो कि कितना होता है, T4 टॉप सेंटर, वो इस तरह से आपको कर लेने का है। अभी यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ कि ये सेम चीज को आपको क्या करना है, डबल क्लिक करने हैं और ये पेज का सेंटर में आपको इसका रख लेना है। यहाँ पे मैं बताया, अभी यहाँ पे कंट्रोल के साथ होल्ड करना और ये रोटेट कर देना है, कंट्रोल आर से रिपीट कर दो। अब ये मेरा ये शेप रेडी हो गया। तो गाइस, मैंने यहाँ पे ये शेप बना लिया है। अभी शेप को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अलग से इधर कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको कंट्रोल जी से ग्रुप कर ले रहा हूँ, और मैं इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ। अभी कोई सा भी एक शेप को मैं फिल करने के ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर लिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैं फिल किया हूँ, ये तो मैंने वन साइड का मैंने फिल कर लिया है। वन साइड फिल करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अभी ये अलग अलग है सारे, इसको मैं शेप से एक शेप में मैं बना लेता हूँ। तो ये सारे को मैं सिलेक्ट किया हूँ। ये भी जो भी सिलेक्शन लेने के बाद आप मूव करके देख लो, ये सिलेक्टेड है, ये सारे मैंने अलग कर लिया है। मैं इसको यहाँ पे शेप बिल्डर है, यहाँ पे शेप बिल्डर से मैं आपको एक वर्ल्ड कर दे रहा हूँ। वर्ल्ड करने के बाद ये अपना एक शेप आ गया। तो ये बाहर वाला आउटलाइन और जो है सब एक साथ है, मैं ये अनग्रुप कर ले रहा हूँ। ये और ये शेप को आपको बाहर लेकर आना ताकि मैं आपको बता सकूं, ये ठीक है। अभी सेम इसको मैं ग्रेडियंट फिल करके मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि किस तरह से हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने G4 ग्रेडियंट का मैंने टूल यूज किया है, और यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे कर ले रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैं डार्कर दे देता हूँ थोड़ा सा, ये डार्कर आ गया। ये यहाँ पे इधर से जो है लाइटर शेड है, यहाँ पे मैं ये शेड दे देता हूँ। थोड़ा सा और ब्लूइश, हाँ मैंने ये शेड लिया है। अभी सेम इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट है सेंटर आ रहा है ना, तो इसके नीचे एक गाइडलाइन आप रख लो ये, और लेफ्ट से भी आप एक गाइडलाइन रख लो। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो रहा है। अभी यहाँ पे ये डबल क्लिक करने के बाद ये वाला जो है नोड यहाँ पे लाके कर देना, और ये कंट्रोल के साथ होल्ड करना और ये रोटेट करना। तो रोटेशन का आपका ये देख रहे हो कि कितना डिग्री पर, 240 डिग्री पर ये रोटेट हो रहा है, और ये रिपीट कर देना आपको। तो गाइस, ये मेरा जो है आप देख सकते हो इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो है वो यहाँ पर शेप रेडी हो गया। अभी सेम चीज को मैं क्या करूंगा कि एक मैं पैटर्न में कन्वर्ट करके मैं दिखाता हूँ पैटर्न में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट इसका डुप्लीकेट कर लिया हूँ, और ये सेम चीज को मैं क्या कर रहा हूँ डिलीट कर दे रहा हूँ। ये मैं फील का जो है यहाँ पे मैं कॉन्टूर का टूल लिया हूँ, और ये मैं अंदर की तरफ कर लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो दो मतलब आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है मेरा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और राइट क्लिक करके मैं बताता हूँ। तो
ये अभी अपना शेप इस तरह से डिवाइडेड है बिकॉज कि यहाँ पे भी एक सेपरेशन है, तो मैं ये हटा देता हूं और ये आउटलाइन फिल करता हूँ। ये यही जो वजह है वहां पे अभी डिवाइडर हो रहा था, तो मैं ये इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मेरा, तो डिलीट होने के बाद यहाँ पे शेप का भी थोड़ा चेंजेज आ जाता है, तो थोड़ा सा आप जब कर रहे हो तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना ताकि उस चीज में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए यहाँ पे एक मैं शेप ले ले रहा हूँ और ये इसको मैं ये कर दिया हूँ, और सेम चीज को मैं यहाँ पे इसका ये वाला नोट डिलीट कर देता हूँ, इधर से ये वाला नोट, यानी अपना ये थोड़ा सा इधर का रहने दो चलेगा। अभी अभी मैं कंट्रोल लूंगा और इसका ये एकदम छोटा वाला पार्ट मैं कर लूंगा। ये आप देख सकते हो इस तरह थोड़ा, जितना आप बढ़ाना चाहते हो उतना भी बढ़ सकता है, मैंने 12 से कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये स्पेस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा जैसे है इतना, तो इसके अंदर आप बढ़ा सकते हो जितना बढ़ाना है। ये लास्ट इसका मैक्स टू मैक्स हो गया। अब इसमें जो कलर फील करना है आपको कलर फील कर सकते हो, मैं ब्लू दिया हूं। यहाँ पे भी जो कलर आपको चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे चेंजेस जो होगा वहां पे इस तरह से दिखेगा। अभी मैं यहाँ पे डार्कर ब्लू ले ले रहा हूँ, ये आउटलाइन में हटाता हूँ, किसे दिखेगा ये इस तरह से दिखेगा। अभी ये फील वाले को थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ मैं, यहाँ प्रेस करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा लाइटर शेड में ले लूँ, ये हो गया। अभी सेम चीज को मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो सर्कल था मेन वो हट गया यहाँ पर से, पॉइंटर जो था हट गया, तो अभी मुझे पता ही नहीं चल रहा कि इसका कहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं ये वाला यहां से मैं इसका एक सर्कल ले लेता हूँ ये, और ये इसके साथ लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ, ये हो गया। अभी ये मुझे सर्कल पता चलेगा कहाँ पे सेंटर पॉइंट है, ये यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये मैं दे दे रहा हूँ। अभी इसका ये है कि कंट्रोल जी से ग्रुप कर देना है, डबल क्लिक करना है ये, और यहाँ पे इसका लेके आना है और राइट क्लिक करके मूव करना है। कितना डिग्री पे है ये देख लो, यानी 240 पे मैंने बताया था, 240 पे मैंने मूव कर दिया। अभी ये सेम ये हो गया, तो अभी ये मेरा जो आप देख रहे हो कि एक तरह से पहले ये क्या है, दूसरा ये है। एक लास्ट और मैं बताता हूँ जो कि वो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा, तो ये मैं तीनों को मैं लेके आ दे रहा हूँ। मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, लेट इट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि एक एरिया ले रहा हूँ, मैं फील कर दे रहा हूँ ये, या तो आप थोड़ा डिफरेंट पे ये कर लो, कंट्रोल R R R R R4 रिपीट कर लो जितना रिपीट करना है आपको। ये आपका ग्रे दे सकते हो या व्हाइट दे सकते हो, मैं ग्रे दे दिया हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया हूँ, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी दे रहा हूँ मैं, और ये एक तरफ से कम कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आऊंगा ऑब्जेक्ट में, पावर क्लिप इंसर्ट, इसके अंदर मैं डाल दिया। अभी इसको रोटेट में थोड़ा कर लेता हूँ इस तरह से ये, ये मैंने रोटेट कर लिया है। अभी मैं पावर क्लिप तो मैं फिनिश करके बाहर आ जाता हूँ, तो ये मेरा इस तरह से बना। अंदर के फील का थोड़ा सा कम करना है तो आप थोड़ा ब्लूइश दे देते हैं, ब्लूइश के साथ या डार्क ब्लू दे देते हैं, तो इसके अंदर भी ग्रेडियंट आप दे सकते हैं। ग्रेडियंट जैसे ही मैं लेता हूँ यहाँ पे फील होता है, तो एक तरफ से थोड़ा डार्कर है तो ब्लैकिश टाइप में आप जाने दो, तो थोड़ा सा ब्लैकिश आएगा तो शेडो ही मिल जाता है उसका, तो ये मैंने दे दिया है। अभी सेम चीज को आपको रिपीट करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ले लेना है, ये वाले मैं डिलीट कर देता हूँ ये। अभी इसी को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे रोटेशन का आ चुका है, कितना 240 के जब 120 आ रहा है, फिर यहाँ पे ये करना है। तो गाइज आपको ये वीडियो जो बनाया आपका तरीका जो भी है बनाने का आपको वो समझ में आ गया होगा, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर दबाएं और आपका एक कमेंट जरूर करके रखें। एक्चुअली सॉरी मैं गाइस, एक्चुअली मेरे वीडियो में नॉइज हो सकता है क्योंकि बारिश यहाँ बहुत तेज हो रही है, और ये मैं उसी में वीडियो में बना रहा हूँ बिकॉज मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ कि एवरीडे जो मेरा टारगेट है वो मुझे पूरा होना चाहिए। चलिए गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ कुछ नए सब्जेक्ट
के साथ कुछ नए तरीके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।